हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ फायर के बारे में। बेसिकली हमारे पास तीन स्टैंडर्ड्स हैं फायर को कैटेगराइज करने के लिए। पहला है यूएस स्टैंडर्ड्स, दूसरा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और तीसरा ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ यूएस स्टैंडर्ड के बारे में। तो यूएस स्टैंडर्ड्स में फायर को 5 क्लास में कैटेगराइज किया गया है। पहली क्लास है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। तो पहले जान लेते हैं क्लास ए के बारे में। तो क्लास ए में हमारी वो फायर्स आती हैं जिसमें कंबस्टिबल मटेरियल, पेपर, वुड, प्लास्टिक, क्लोथ और रबड़ हो। अगर हमारे जलने वाले मटेरियल्स इनमें से कुछ भी हो तो हमारी फायर क्लास ए कैटेगरी की मानी जाएगी। क्लास बी फायर में जितनी भी फ्लेमेबल लिक्विड्स और फ्लेमेबल गैसेस पर फायर होती है उसे क्लास बी में कैटेगराइज किया जाता है। फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट्स और केमिकल्स, जितने भी हमारे फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं वो क्लास बी के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लेमेबल गैसेस की। क्लास बी के अंदर फ्लेमेबल गैसेस की फायर को भी इंक्लूड किया गया है। फ्लेमेबल गैसेस जैसे कि एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितनी भी गैसेस फ्लेमेबल हैं इनको क्लास बी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सो क्लास बी फायर में हमारे फ्लेमेबल लिक्विड्स और फ्लेमेबल गैसेस की फायर को इंक्लूड किया गया है। क्लास सी यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर, जो भी फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर होती है उन्हें क्लास सी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जब तक इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चालू रहेगी यह फायर क्लास सी के अंदर ही कैटेगराइज की जाएगी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रोक दिया जाता है फायर की क्लास चेंज हो जाती है। अगर फायर हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स पर लगी हैं और इलेक्ट्रिकल सप्लाई रोक दी जाती है तो जलने वाला मटेरियल फिर प्लास्टिक हो जाता है, तो यह फायर कन्वर्ट हो जाती है क्लास ए फायर में। क्लास डी, क्लास डी फायर में मेटल फायर को इंक्लूड किया गया है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, यूरेनियम क्लास डी फायर के अंदर आती हैं। क्लास के, क्लास के फायर में जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल फैट्स, एनिमल फैट्स इस्तेमाल होते हैं इन पर लगने वाली आग को क्लास के फायर के अंदर कैटेगराइज किया गया है। Guys, thanks for watching. If you have any question, you can ask me on comment section. Also, don't forget to like, share and subscribe the video. Follow me on social media. Links are in the description. Thanks for watching.